जी, टुडे वी विल डिस्कस द रेंज। ओके बेटा, मैंने आपको बताया था रेंज जो होता है ना हमेशा आउटपुट होता है, हमेशा ही आउटपुट कि क्या आंसर आ सकता है। अगर मैं नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले बेटा अगर देखोगे एफ ऑफ एक्स जो है मेरे पास जो है, अगर मॉड एक्स है तो आप बता सकते हो कि मेरे पास आउटपुट कैसा आएगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल सही। तो दैट मींस मेरे पास रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गई, आर प्लस। ओके, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गई, आर प्लस। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं कहूं एफ ऑफ एक्स मेरे पास जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ओके तो आउटपुट क्या होगी मेरे पास हमेशा। लेट अस डिस्कस, मैं मीटिंग लॉक करने लगी हूँ और आई विल अलाउ यू टू आंसर माई क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जो है आंसर दोगे। हाँ जी बेटा, चलिए आशीष, आशीष बेटा अनम्यूट योर सेल्फ। आशीष, यस मैम, हाँ आशीष, मुझे बताइए इसका आउटपुट का आंसर कैसा आएगा हमेशा। आशीष यस मैम, बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मेरे पास आंसर कैसा आएगा हमेशा। ओके, नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। नो ओके, नहीं पता। हाँ, अर्शदीप सिंह, रोल नंबर 7। अर्शदीप सिंह, गुरजोत। यस ओके अर्शदीप, बोलिए। यस बेटा, अर्शदीप बोलिए इसका आउटपुट कैसा आएगा। मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं, मान लीजिए मैंने 2.5 पुट की, आंसर आया 2। मैंने -2.5 की, आंसर आया -3। मैंने वैल्यू पुट की -1.5, आंसर आया -2। आंसर कैसे आ रहे हैं अर्शदीप। इंटीजर्स वेरी गुड, दैट आर इंटीजर्स। तो दैट मीन्स जो मर्जी वैल्यू पुट कर दे तो हमेशा आउटपुट क्या होगा, इंटीजर। तो आउटपुट मेरा क्या होता है रेंज, तो वो क्या आएगा हमेशा, इंटीजर्स। ओके बेटा, क्लियर, सबको बात समझ आई। अच्छा चलिए, अब अगर मैं आपको चीज बताऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये मेरा फंक्शन ऐसा हो जाता बेटा, तब आने पॉजिटिव है, हमेशा ही नंबर पॉजिटिव है, लेकिन इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं आ सकता। यानी अगर मैं आंसर लिखूं तो इसकी मेरे पास रेंज ऑफ ए फंक्शन जो है वो कैसी होगी, बेसिकली जीरो इंक्लूड नहीं हो सकता, जीरो पे ओपन और इंफिनिटी, काम खत्म। क्योंकि जब ये ऐसा था ना, तब मैंने रेंज मेरी जीरो टू इंफिनिटी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस। बात समझ आई, वहां पर जीरो इंक्लूड था, आंसर जीरो भी आ सकता था, लेकिन अगर ये फंक्शन है तो आंसर जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे भी लिख रहे ना एक्स ग्रेटर देन जीरो, तब भी ठीक है, वन इज द सेम थिंग, जैसा मर्जी लिख दो पर आंसर विल बी द सेम। किसी बच्चे ने इक्वल टू डाल दिया तो वो गलत। ओके ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं करवाती हूं। मान लीजिए मैंने रेंज लिखनी, ठीक है, किसकी, जो कल हमने क्वेश्चंस किए थे अंडर रूट वाले। लेट अस सी, अंडर रूट 4 - x2। आप मुझे बता सकते हो कि कल मैंने आपको यहां बताया था तो हमने जो डोमेन थी इस क्वेश्चन की वो क्या लिखी थी। वेरी गुड, एक्स बिलोंग्स टू -a to a और ए कितना है, 2, 4 नहीं ले लेना। तो दैट मींस कि मैंने कहा था -2 to 2। जो इसका आंसर है ना, हमेशा आप जो मर्जी कर लो, जो भी मेरे पास जब भी अंडर रूट a² - x² की फॉर्म होगी तो बेटा जो रेंज होती है ना वो हमेशा 0 to a के बीच में आती है। ऑलवेज इफ एनी क्वेश्चन इज ऑफ दिस टाइप,
ध्यान से देख लीजिए, आई कैसे वो मैं अभी बताती हूँ। पहले हम आपको बता दें, डोमेन ऑफ ए फंक्शन कैसी आएगी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, लेकिन रेंज हमेशा इनकी जीरो टू ए आएगी, ऑलवेज। अब देखो मैं आपको बताती हूँ आई कैसे। हमने यहां पर जो था कि मैंने आपको कहा था कि वाई ले लो इसको, ऐसे ही करते हैं ना, रेंज निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है वाई ले लो। अब एक्स निकालो इन टर्म्स ऑफ वाई, तो मेरे पास जो है क्या कंडीशन आई यहां पर, वाई स्केयर फोर माइनस एक्स स्केयर, एक्स स्केयर कितना आया फोर माइनस वाई स्केयर, और मेरे पास जो है एक्स जो है वो अंडर रूट फोर माइनस वाई स्केयर। अब वाई पे कंडीशन निकाल ली है मैंने, तो इस पे लगाऊंगी तो ये तो फॉर्म ऐसे ही हो गया ना, हुआ क्या नहीं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं निकालूं तो आप कहते हो कि मेरे पास y बिलोंग्स टू माइनस टू 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 आएगा, एम आई राइट। बट अगर मैं स्टेटमेंट देखूं ये y है, इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, फ्रॉम दिस फर्स्ट फ्रॉम दिस सेकेंड। कॉमन आंसर क्या है, जीरो टू टू, तो दैट्स वाई y बिलोंग्स टू जीरो टू टू। देखो जीरो टू ए में फॉर्म में आया कि नहीं आया, मैंने यही बोला था ना, मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, अब ऐसी चीजों को अपने दिमाग में सेट करो, पता चल गया। इफ एनी फॉर्म इज ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, डोमेन ये होती है रेंज ये होती है, कोई निकालने की जरूरत नहीं। बात क्लियर होगी, मैं फिर बता रही हूं कि रेंज हम कैसे करते हैं, रेंज निकालने के लिए अगर तो डायरेक्टली पता चल रहा है तो इट्स ओके, अगर नहीं पता चलता पहला स्टेप होता है y लेते, y लेके x इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करते, ठीक है, क्योंकि जो हमारी y की इनपुट होती है बेसिकली, मतलब जो y का हमारा वैल्यूज निकलती है वो इनपुट बन जाती है ना, अगर x इन टर्म्स ऑफ y निकालो, यानी अब भूल जाओ कि रेंज निकालो, अब सिंपल अंडर रूट के अंदर है, जो डोमेन में स्टेप करते थे, अगर कोई फंक्शन अंडर रूट के अंदर है तो क्या करते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते थे, वहां से वैल्यू निकालते थे, तो वो माइनस ए टू ए ही आनी है ना, तो आई तो यानी वाई बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट देखूं अंडर रूट वाला आंसर, यहां कहीं बाहर माइनस तो नहीं लिखा, अच्छा अगर यहां बाहर माइनस लिखा होता ऐसे बाहर, प्लीज सी इट केयरफुली, तो यहां क्या आ जाना था, लेस देन इक्वल टू, देखो चेंज कैसे हो जाना है, तब क्या आ जाना है, लेस देन इक्वल टू, और तब मेरे पास जो है यहां पर आंसर क्या आएगा, अच्छा अगर दोनों होते प्लस माइनस, फिर वो फिर बस यही सीधा आंसर आ जाए, ओके माइनस टू टू टू, क्योंकि पॉजिटिव भी लेना नेगेटिव भी लेना। ये बात सबको समझ आई बेटा, यही छोटी छोटी चेंजेस होती हैं जो हम एग्जाम में करते, क्लियर। एक्सक्यूज मी मैम, एक सेकेंड गुरसीरत, हाँ जी बेटा, नहीं बेटा वाई के इक्वल है ना, ये वाई के इक्वल है ना बेटा, मैंने तो वाई का देखा कि जो वाई का आंसर है, आप कोई भी माइनस टू 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 वैल्यू पुट कर दो, इसने पॉजिटिव ही आना अंदर वाले, क्योंकि अंडर रूट वाली टर्म हम यहाँ रियल फंक्शंस में ले रहे हैं ना, तो रियल फंक्शन में कभी भी ये आंसर नेगेटिव नहीं आता, तो इसीलिए दिस इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ग्रेटर देन इक्वल टू। कंडीशन तो मैंने वाई पे ही लगाई ना, क्योंकि एक्स तो मेरा इनपुट है, मैंने इनपुट निकाल लिया, मैं वैल्यू पुट करती हूँ, तो आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है ना अंडर रूट वाला। यस गुरसीरत बेटा, मैम देवांशी का ना मैसेज आ रहा है कि उसका लीव हो गया था गलती से, तो वो भी है, तो उसको एंटर कर लो। ओके बेटा, ओके ओके, वेट, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी हाँ जी बेटा, मैम एक बार y इज इक्वल्स टू माइनस रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाला दोबारा से बता दो, कौन सा बेटा, आई एम नॉट एबल टू, जो आपने अभी माइनस वाला समझाया करवाया, ओके 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 ओके। बेटा टेल हर टू ज्वाइन एन अगेन, ओके गुरसिरत,
टेल हर टू ज्वाइन, टेल हिम टू ज्वाइन अगेन बेटा प्लीज। ओके मैम। हाँ जी चलिए बेटा, मैं ये बता रही थी कि अगर यहाँ माइनस आ जाए सपोज, है ना, मेरा ये वाला आंसर तो ग्रेटर ही रहना है ना, मेरी डोमेन में कोई टेंशन नहीं, मैं तो रेंज की बात बता रही हूँ, है ना, डोमेन तो मैं यही पुट कर सकती हूँ ना, क्योंकि अंदर वाला नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। अब बात आई मेरे पास तब, ये अगर नेगेटिव है ना, ये चीज पॉजिटिव होती है हमेशा ऑलवेज, अगर पॉजिटिव इनटू नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव वाला लेना था मैंने, तो मेरा ये चीज निकला, तब मैं कहती दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो दैट मीन्स आप खुद सोचिए, यहां मैं कह रही हूं माइनस टू टू टू, इधर कह रही हूं जीरो, और कौन सा आएगा फिर, ये वाला पार्ट आएगा ना गुरसीर जपन या जिसने भी पूछा मेरे से। yes, ma'am, yes. बात समझ आई बेटा, कॉमन देखो ना कि कॉमन क्या आता है, क्योंकि हम इसमें भी कंडीशन लगा, ओके, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा, दैट्स व्हाई, और कोई नहीं। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ओके गुड, चलिए और कोई करें, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन फॉर दिस, ठीक है जी। तो मेरे पास जो है लेट अस सी, वन क्वेश्चन इज ऑफ दिस टाइप, देखिए लेट अस सी, मेरे पास एफ ऑफ एक्स वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ओके अब मैंने क्या निकालनी है इसकी बेटा, रेंज निकालनी है, अब क्या करें, सबसे पहला क्या होता है, डोमेन तुम निकाल लोगे मुझे पता है, ऑल रियल एक्सेप्ट प्लस माइनस वन, वो तो देख के ही पता चल जाता है, प्रॉब्लम रेंज में आती है, रेंज के लिए मैं बार बार कहती हूँ क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू वन माइनस, यही करते हैं ना। अब हमने एक्स निकालना इन टर्म्स ऑफ वाई, ये आया बेटा मेरे पास, हाँ जी एक्स स्क्वायर इज वन माइनस वन बाय वाई, हाँ जी वाई वाई माइनस वन, और मेरे पास जो है बेसिकली यहां पर आपने दो मेथड से कर सकते थे, आप एक्स को अंडर रूट प्लस माइनस मेरे पास वाई माइनस वन बाय वाई ऐसा आ सकता था, ये करना मुश्किल हो जाता है, इसको सोचना मुश्किल हो जाता है, जब भी कभी आपके पास ऐसे डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन आए ना, मैं 100% इसको चेक कर सकती हूँ कैसे, अगर मैं y से मल्टीप्लाई और y से डिवाइड कर दूं, इसका बेनिफिट क्या हुआ पता मुझे, ये तो 100% पॉजिटिव होगा, चेक किसको करना है, बस इसको करना, करने को आप वैसे भी कर सकते थे लीनियर इनइक्वालिटी से, हमने किया हुआ है ना, आपकी मर्जी है, आप क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ के भी कर सकते हो, हमें कोई टेंशन नहीं, बट इट इज टोटली अप टू यू। मैंने आपको ये भी मेथड बता दिया कि हम डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर किसी एक को पॉजिटिव ले लें और दूसरे का देखें आउटपुट, अब मैंने इसको कन्वर्ट किया, अब बेटा देखो यहां एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो दैट मीन्स वाई वाई माइनस वन ओवर वाई स्क्वायर ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अब ये तो पॉजिटिव ही है, एम आई राइट, इसका मतलब y y माइनस वन ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं, इससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी और कुछ नहीं, तो दैट मींस कि मेरे पास अब बेटा हम क्या करते होते थे, इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट ले रही हूं, हम आपको बता चुके हैं, क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट किए, जीरो एंड वन, जीरो नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि y नीचे भी है ना, इसको नहीं ना लेना, काउंट नहीं करना क्रिटिकल इसको, हाँ जी यहां पर इक्वल टू, यहां तो आ ही सकते ना, ऊपर वाली टर्म तो जीरो बन सकती है ना वन पे, अगर आप वन नहीं लेते, आप यहां वन पुट करते हो, ये जीरो हुआ, इसने थोड़ा जीरो होना है, नॉट डिफाइंड तो नहीं ना होना, इसीलिए मैंने इक्वल टू लिया, बाद में मैंने देख लिया कि मैं जब इसको जीरो पुट करती हूँ, वाई जीरो यहां से भी आ रहा था ना,
दो पॉइंट हुए थे, लेकिन वो वाई वाली वैल्यू नीचे भी है, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं कर सकती। बात समझ आई? तो अब बेटा मेरे पास जो है क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं देखने हैं, स्टार्ट मैंने किया, मेरे पास जो है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ब्रेकेज है ना मेरे पास, कहां पर? जीरो पर। मैंने कौन सा लेना है? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला कैसे होगा? एक ये वाला, एक ये वाला। ये सभी इनक्वालिटीज में आपको करवाया हमने लीनियर में, है ना, यूज पहले ही होता है बेटा। तो मेरे पास एक्स बिलोंग्स टू, मेरे पास सॉरी वाई, रेंज लिख रहे माइनस इनफिनिटी टू जीरो। देखो जीरो पे ओपन, ये इसीलिए मैंने क्रॉस लगवाया कि आपको याद रहे। यूनियन वन पे मैं इनक्लोज्ड डाल सकती हूँ, क्योंकि वन नीचे वाले को नॉट डिफाइन थोड़ा करना बेटा। और इनफिनिटी हम हमेशा नंबर लाइन से कराते हैं। अगर आप किसी भी बुक में सोल्यूशन देखोगे ना, वो प्रॉपर इवेल्युएट करके बताते हैं, वो लंबा हो जाता है, हमें कोई जरूरत नहीं। बात समझ आ गई सबको? ये नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट मैं बार बार कहती हूँ, यू हैव टू कीप इन माइंड। सबको क्लियर है? ओके चले आगे। असीस क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट एक और करें क्वेश्चन। लेट अस डू, मेरे पास जो है वन मोर क्वेश्चन। अच्छा अब ना आप याद भी रख सकते हो, इनको भी जनरलाइज कर सकते हो, कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन जो है वन ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का ना, तो उसे ड्राइव कर लो। रेंज क्या आती है? डोमेन क्या आती है? क्योंकि आपने तो एमसीक्यू टाइप ही करना है ना बेटा, तो लर्न इट, फॉर्मूले ड्राइव कर लो। ऐसी फॉर्म है तो ऐसा आंसर आता है, ऐसी फॉर्म है तो ऐसा आंसर आता है, आपका टाइम सेव होगा। और कुछ मेथड सीख लिया आपने कैसे इवेल्युएट करते हैं, कि बाय चांस अगर नई फॉर्मूला याद तो मेथड से करो, बट अगर फॉर्मूलेज को मतलब अपने रिजल्ट को जर्नलाइज करके अपने नोट्स बना लो, देखो आपके मैथ्स के सम कितने जल्दी निकले। ओके क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है कोई और करें डोमेन रेंज का क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को पता चले और ज्यादा। चलिए एक सिंपल सा करते हैं, लेट अस सी। वन क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, कोई डिनोमिनेटर में टर्म नहीं है, मैं कुछ भी पुट कर दूं, आंसर कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। कब आ सकता है जीरो? आ सकता है जब मैं एक्स की वैल्यू वन बाय रूट टू पुट करूं, है ना, वन बाय रूट टू पुट करूं, टू और टू कट जाएगा, वन माइनस वन जीरो आएगा ना। क्लियर? बात समझ आई? तो मेरे पास हुए ऐसे, हम लोग जो है कुछ भी यहां पर, डोमेन भी मेरे पास ऑल रियल, रेंज भी ऑल रियल, क्योंकि जीरो भी आ रहा है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, जैसे मर्जी आ सकता है, तो ऑल रियल। ठीक है एक और क्वेश्चन देती हूँ, लेट अस सी। लीजिए अब जरा डोमेन निकाल के बताइए फटाफट, कैलकुलेट डोमेन, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में आई थिंक ये क्वेश्चन है, फटाफट फाइंड द डोमेन। चेक करना जरा, इसके फैक्टर नहीं ना एग्जिस्ट कर रहे, रियल फैक्टर्स नहीं एग्जिस्ट करते, इमेजिनरी हो रहे। तो अगर मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूं, मैंने एक्स के निकाले, तो वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। हम तो कॉम्प्लेक्स से डील ही नहीं करते, हम कौन से फंक्शंस लेते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, ये एग्जिस्ट करेगा, कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता। तो दैट मीन इसकी डोमेन क्या आ गई? ऑल रियल। बस ठीक है क्या?
कैसे कैसे? बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब ही क्या है? हम कॉम्प्लेक्स तो पुट ही नहीं ना कर सकते क्योंकि डी नेगेटिव है यहाँ, तो डी नेगेटिव है तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स वैल्यूज तो लेनी नहीं है। मैं कॉम्प्लेक्स एक्स की वैल्यू यहाँ से प्लस पुट करूं या माइनस वाली पुट करूं तभी आंसर ये डिनोमिनेटर जीरो होगा। हम तो किस फंक्शंस को ले रहे हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। जब भी आप देखोगे ना वहां लिखा होता है दिस इज अ फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन या फ्रॉम रियल टू रियल मैपिंग जो है ऐसे लिखी जाती है एफ फ्रॉम रियल टू रियल। ओके, हम जितने भी फंक्शंस करते हैं आपके लेवल तक वो रियल वैल्यूड फंक्शन करते हैं। इमेजिनरी फंक्शंस होते हैं बट वो हायर क्लास में रिसर्च करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हमारी रियल लाइफ में रियल वैल्यूड फंक्शन ही इंपॉर्टेंस प्ले करता है टिल नाउ, टिल प्लस टू तक। ठीक है, कभी भी हम मैपिंग कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, रियल टू कॉम्प्लेक्स नहीं करते। बात समझ आ गई? इसीलिए अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो उसका मेरे को कोई टेंशन ही नहीं क्योंकि रियल पे ये जीरो नहीं बन रहा। दैट्स ऑल। बात समझ आ गई? यहां तक सबको क्लियर है? अब बेटा मैं रेंज, रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, वही वाई लेट करेंगे। वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या हो गया? वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब क्या करूं इसको? देखो इसके तुम वैल्यूज नहीं निकाल सकते। जब भी ऐसे हो जाए ना तो आप क्वाड्रेटिक इन एक्स बना दो। क्या बना दो? क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो उसके जो कॉफिशियंट है वो वाई की फॉर्म में आ जाएंगे या कॉन्स्टेंट, तो अपने वाई पे कंडीशन नहीं आ जाएगी, है ना? तो बनाइए, मैं इसको इधर ले आऊं तो मेरे पास जैसे मर्जी कर लो, जिसको मर्जी जिधर ले जाओ डजंट मैटर। मैं इधर ही सारी टर्म्स ले आती हूँ, वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर। अगला वाई मेरे पास हो गए, ये माइनस था इधर प्लस आ गया, वाई प्लस वन एक्स हो गया, प्लस मेरे पास वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ना डिस्क्रिमिनेंट। दैट मींस डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखना बेटा, ए ये है, बी ये है, सी ये। ओके, तो मेरे पास क्या हो गया? बी स्क्वायर वाई प्लस वन का स्क्वायर माइनस फोर ए, और सी कितना है? y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, ओपन द ब्रैकेट, हरी अप एंड सॉल्व इट। अब मुझे ये कुछ नहीं चाहिए बेटा, आई डोंट नीड दिस। अब बेटा ओपन कीजिए, मेरे पास क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू वाई। अब फोर भी है ये भी है, मैं साथ ही मल्टीप्लाई कर रही हूं, 4y स्क्वायर माइनस 4 और मेरे पास प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ जी, क्या बन गया मेरे पास? माइनस 3x 3y स्क्वायर, फिर क्या बना? प्लस 10y, फिर मेरे पास क्या बना? माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आपने लीनियर इनइक्वालिटीज में किया हुआ है, आप क्या कहते थे? कोफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए पहली टर्म का, तभी फैक्टर्स बनाते हैं ना हम। तो अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूंगी तो यहाँ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो दैट मींस कि मेरे पास क्या आ जाएगा? 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 मेरे पास जो है लेस देन इक्वल टू जीरो। अब मैं फैक्टर बनाऊ इसके, मल्टीप्लाई करो तो 9 आए, प्लस माइनस करो तो माइनस 10 आए, माइनस 3 और मेरे पास हो गए 9 और 1, सिंपल सी बात है ना। तो दैट इज 3। अब मैं सीधा फैक्टर लिखने लगी हूं, सी हियर, अब फिर ये लीनियर इक्वालिटीज का ही काम हो गया। क्या करते होते थे?
नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, क्या क्या वैल्यूज आई, एक 1/3 और एक क्या आई 3, क्रिटिकल पॉइंट आ गए ना। अब स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस, मेरे पास हो गए और प्लस। अब देखें तो मुझे लेस देन चाहिए, आंसर शुड बी दिस, क्योंकि कहा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे ये क्रिटिकल कोई हमें नॉट डिफाइन दे रहा, तो दैट मींस कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, दैट इज ऑलवेज y बिलोंग्स टू 1/3 to 3। मैं आपको बार बार कह रही हूं, आप किसी भी बुक में देखोगे वो इनके केसेस बनाते हैं। वो कैसे केस बनाते हैं, फर्स्ट केस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सेकंड केस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हमें वो बनाने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा नंबर लाइन से शुरू कर। अच्छा कोई बच्चा ध्यान से देखना बेटा, इसको पॉजिटिव ही रहने देता, यहां फैक्टर बना के ऐसे 3y-1 और y-3 ऐसे रहने दे, तब भी सही था, क्रिटिकल पॉइंट निकाले 1/3 और 3 आया है ना। अब उस यहां चाहिए पॉजिटिव, बट हम स्टार्ट किससे करेंगे, फिर नेगेटिव से, तो तब वो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव लेगा, बट हमने लेना कौन सा है पॉजिटिव, तब भी आंसर यही आए। मैं बार बार कहती हूं या तो पहले ही एडजस्ट करके कॉफिशियंट को पॉजिटिव बना दो, मैंने यहां कॉफिशियंट को पहले ही पॉजिटिव बना दिया था, देखिए नेगेटिव कॉमन लेके तो अपने आप लेस देन आया, तो लेस देन आया, मैंने स्टार्ट जो क्योंकि कुछ कॉमन नहीं था पॉजिटिव था, तो मैंने स्टार्ट पॉजिटिव से किया, लेकिन अगर मैं कॉमन बाहर रहने देती तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होनी थी, तो मुझे स्टार्ट किससे करना पड़ना था, नेगेटिव से। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबको बात क्लियर होगी बेटा, जपन आज रेंज समझ आई बेटा? यस मैम यस। अब डाउट सबके क्लियर हुए, ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम आपको और आएगी तो यू कैन, मैंने अंडररूट वाला करा दिया, मैंने क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक करवा दिया आपको, मैंने 1 ओवर मतलब रैशनल फंक्शंस करवा दिए, रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन, मैंने 1 ओवर कोई डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो करवा दिया, इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आज रेंज को अच्छी तरह करो। आपके एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चन है रेंज वाले, और मैं फिर बता रही हूँ असर्शन रीजन नाउ is not in our syllabus, only one case study will come and that is of 4 marks, okay clear, aapko plus 2 wala pattern hi as it is aayega, bar bar koi galti nahi karni, puchna nahi, main bar bar keh rahi hu assertion reason will not come, okay koi baat nahi, extra hi samjha hai humne, haan ji japan kya